कामाक्षा मंगलाय तन्वरी आयु कृति जसु बलम श्री श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। विष्णु भगवान की राम लला पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। माता दुर्गा भगवती की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाल की सरल सदा सुखान सकल मनोरथ देव प्रभु जो नर कर गुणगान। श्री शालिग्राम देव महाराज की जय। शालिग्राम देव भगवान की जय। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय प्रारंभ।
एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धि भवेद्रोम विशेषता कलियुगे नाना जोनि भूतले कथां सम्यक् प्रवच्यामि कृतमेना पुराणे काशीपुरीरम्भे हासि जुक्तो निर्गुणा दाता तृष्णा गुरु हुत्वा नित्यं भवाम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणा प्रिय ब्राह्मण रूपेण पत्रवा बीजमागात् नारायणो देव वांछितार्थ
साजारे कस्कम दत्तम संत लिखायकम कदावतम करिष्यामि जरा मे संत्र भवि अल्प काले गति तस्या वार्जा लीलावती सती गर्भिता चिता धर्म प्रायणा पूर्णे गर्भे तपो जाता बालिका चाति निर्मला दिने दिने वर्धमाला सुख पक्षी जिता सती कतो वनी सूता च जात कर्म समाचरित नाम ना कलावती चेति तन नाम कर्णम कृतम तपो लीलावती प्राहम स्वयं ने मधुरम वच कारोसी न की मर्थे पुरा बल संकल्पिता वर्तन साधु वाच भीवासम ने हास्या कृष्या निवृतंत्री इति भाग्या समावास्य जगाम नगरम प्रति तथा कलावती कन्या बाबु लेप प्रवेश में दृष्टवा कन्नम तथे सगरे साधु सब न देश की विषय मंत्री प्रवा दूतम दूतम कृष्या मास धर्मता दीवा आस्था च कन्या ब्रह्म श्री च विचार विश्वाग ृष्ट कारागारो विचारत श्री सत्यनारायण भक्त कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्त प्रेम सोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय विष्णु भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय पंचमोध्याय प्रारंभ श्री सुतुवाच हर महादेव की जय।
मंगलाचार गुरु काम ब्राह्मणी भूगतम तत्वा तदास्तु न भ्रमे किंजितम गुरुतम गति साधु सत्य नारायण प्रभु जिज्ञासाम कृपां साधु पुनः संचितम ततो महाद्वावता हिंदा च परहसय कथम पृच्छसि भूगंडिनम मुद्रां नोतुम किं वत्सि लता पत्राधिकं च राघव ततो कर्मो ममम निष्ठुरं तज्ञं श्रुत्वा सत्यं भक्तु तेव च एव मुक्त्वा गता शीघ्र दण्डितस्य त्वमीप्ता किञ्चितं दूतं गगतो गत्वा सिन्धु समीप्ता गते दण्डिनी साधु निष्क्रियस्तदा उत्पत्तिं तरणीं दृष्ट्वा विस्मरं परमेव शक्ति के ने सर्वत्र शत्रु न संशय अथ शरणम जामो वांछिताशति मातृ वचनम सुत्वा तत्का संगत सदा भूखवा चंडिना भक्वा नत्वा कृवाच सागरम सर्वे ब्रह्मादिकौस्का जानन्ति गुणवृत्तं तस्यामिदं मे प्रभो प्रधानं त्वं कथं जाने नो स्त्रमाम्या प्रसीद पूजिष्यामि यदादि विस्तरे पुनराभिचं चक्रं सर्वत्राणिमां शरणार्थं श्रुत्वा भक्तिकं वाक्यं परितुष्टो जनार्दन वरश्च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रे वान्दयति ततो नावं समारुणा दृष्ट्वा विप्रपूरितान् कृत्वा सद्देवस्य सफलं वाञ्छित ममम् इत्युक्त्वा स्वनेत्राणां पूजां कृत्वा चाभिधि हर्षेण स्वपूर्ण सत्तदेव प्रसादक नावं संयोजयत्नेन स्वदेश गमनं कृतम् ततो जामात्रं तस्य रत्नपुरे ममम् दूतं च अश्वतीं प्रेष्यामास निद्रितस्य रक्षकम् दूतो नगरं गत्वा साधु मार्गाभिलोक्य च उवाचं वाञ्छितं वाक्यं नत्वा गतानि अष्टता नित्य नगर जैसे राजामात्रा सहितो वनिक आगते वति भीतस्य भीतस्य वे गुरुता श्रुत्वा दूतमुखात्वा कम्मा हर्षति सति सत् पूजां तथा कृत्वा पूर्वाचं तंजां प्रति वज्राणि शीघ्रमागच्छ साधु दर्शनाय च इति मात्री वच श्रुत्वा कृत्वा समाप्त च प्रसादं परित्यागता सोऽपिं प्रतिं करणी तेनोरुष्टु सद्देवो भक्तारं तरणीं तथा सहस्या जले श्रावणं ततो तस्मा जायत तथा कलाप्ति कन्या नावलोक्यं निजं प्रति सुखेन माता युक्त्या रुजन्ति चाप्यधुये दृष्ट्वा तथा विद्यां कन्या बिल्लापति दुःखिताम् इतेन मनसा प्राणं किमचमिदं भवे चिन्तयामासा ते सर्वे गुरुस्त्रीवाहिका ऋतु लीलावती कन्या दृष्टा सा बिल्लापत्वा बिल्लापति दुःखेन भर्तारं चेदम् अब्रवीत् इदानीं नौक्या श्राद्धं कथं शोभो लक्षिता न जाने केन देवेन हिल्या चैव जत्कृतम् सत्देवस्य महात्म्यं ज्ञानवाचेन सत्ते इत्युक्त्वा बिल्लापय प्रश्न स्वेश ततो लीलावती कन्या क्रोधि कृत्वा रुद्रः तथा कलावती कन्या नष्टे शुमनि दुःखिता गृहीत्वा पादुकां तस्य नगन्तो च मनोदधे कन्याया सत्कं दृष्ट्वा स्वावाजा शुनोगति अतिशोकेन सन्त्यामासा धर्मिता अतम्बा सद्देवेन भ्रान्त्वं सत्माम्या तत्पूजां करिष्यामि दुकादि दूसरे इति सतीं तस्य सर्वानुक्या तं कस्यां च मनोर्थं नत्वा च धनवत् भूयो सद्देवं पुनः पुनः तथा संतुष्ट सद्देवो दीनानां परिपालक पूर्वाच दुःखित्वा भगवत्न स्वकृत्या प्रसादं च कन्या प्रति समुद्रस्तु समागता अतिदृष्ट्वा वि तस्या कन्या प्रति ध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा चापि चेत् पुनः लव संसुदा सा तो भविष्यति न संशय कन्याया सा दृष्टं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् सुखमेव गृहं गत्वा प्रसादं च बुभूषा ततः सा पुनरागत्य दातर सन्निधं प्रति तथा कलावति दुष्टां जगां पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि बिल्पिं सम्पुषे कथं तच्छुत्वा कन्या कावाकर सन्तुष्टो भरीक्षित कनेत्रां जगां मन्दिरं मासी मासी च संक्रांते व्रतं कृत्वा ये लोके सुखं भुक्त्वा चान्ति सत्पुरमेव
अनात्म प्रवच्छामि श्री नुभम निशप्तवा। श्री सत्यनारायण भक्त कथायाम षष्ठो अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। विष्णु भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। आदि तंग तुम कर जो राजा प्रजा पालन तत्र प्रशासन सदेवस्य त्वकत्वा दुखमाप्स। एक दासावलम गहुद्यान पशुना आगत्य भट मूलम चिष्ठा सत्य पूजनम। भूपा कुरंती संतुष्टवा भक्ति स्वासवान्धवा राजा दृष्टवा तू गर्पे न गो न मांस। ततो गोपागना सर्वे प्रसादम निसंत संस्थाप्य पुनरागत्य भक्ति जथेप्रदम। इदम प्रसादम सत्य राजा दुखमाप्स। तस्य पुत्र सतम नष्टम धन्य धान्यादिकम च तत्र देवेन तत्सर्व नास्ति त्वं निशिवम् अत्रैव गच्छामि तत्र देवस्य पूजनम। इति सतिं तस्यामंसा जगा गोपाल सन्धो ततो असु स देवस्य पूजा गोपागणेश। भक्ति सदा समन्वित हृष्टवा जगा विद्नाम तत्तदेव प्रसादेन धन पुत्रा विन्योहलत। लोके सुखम भुक्त्वा पञ्चाशत्क्रमेव या इदम् कुर्ते सत्क्रम दुर्लभम। विनोति च कथ्याम पुण्याम भक्तियुक्ताम फलप्रदाम धन्य धान्यादिकम तस्य भवे तस्य प्रसादतः। हरिद्रो लर्ते वीतम बद्धो मुचेत वन्दना भीतो भ्यात मुचमेव स्वप्ने दर्शन संशय। इच्छि च फलम भुक्त्वा शान्ति सत्क्रम व्रजेत। इति वः कथितम् विप्रा सत्यनारायण व्रतम् यत् कृत्वा स दुःखे भवे मुक्तो भन्ति मानव विशेषतः कलियुगे सत पूजा फल प्रदान। किंचित कालम वदिष्यन्ति सत्मिशम त्वमेव हि सत्यनारायणम किंचित सत्तदेव तथा परे। नाना रूप धरे भूत्वा सर्वेषां विस्मृतः वदिष्यति कलो विष्णु सत्रूपी सतानन। या इदम् पठति नित्यम् श्रीनोति मुनि सप्तमा तस्य नश्यन्ति पापानि सत्तदेव प्रसादतः। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तो अध्याय समाप्त। इन श्रोणे श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। विष्णु भगवान की जय। स्वाहा कोटि देवता देते नमो नमः स्वाहा।